नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में सड़कों को लेकर। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को 15 अलग सड़कों का तोहफा दिया गया है, उसको नितिन गडकरी के द्वारा जो है उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। बिहार में सड़कों पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। बिहार की वर्तमान सरकार इसको लेकर हमेशा दम भरती है कि जिला के जिला मुख्यालय से आप 5 घंटे के अंदर से राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार अपने कई भाषणों में इस बात का जिक्र किए हैं कि आप दिन भर में राजधानी पटना से अपना काम करवा कर अपने घर जा सकते हैं। इन सभी बातों को कहने के पीछे सरकार की मंशा यही होती है कि हमने प्रदेश में सड़कों को लेकर बेहतर काम किया है। बिहार के हिस्से सड़क को लेकर एक और इतिहास जुड़ने वाला है। बता दें कि गांधी सेतु पुल के दूसरे लेन का 7 जून को उद्घाटन हो जाएगा। इस दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री इस समारोह में उपस्थित होंगे। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस दिन प्रदेश के लिए 13,885 करोड़ की लागत से 15 परियोजनाओं को केंद्र की तरफ से हरी झंडी दी गई है। बता दें कि 7 जून को गांधी सेतु के दूसरे लेन का उद्घाटन होगा और इसी दिन 9 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही साथ इस दिन कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। बता दें कि इसी दिन बेगूसराय 4 लेन एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा पटना एम्स से नौबतपुर तक के लिए सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ कायम नगर 0 माइल सड़क का भी शिलान्यास होगा। इसी तरह से छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज तक जाने वाली NH-85 परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस परियोजना के शुरुआत हो जाने से सारण प्रमंडल के लोगों को उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के साथ वाराणसी का संपर्क आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यह व्यापार के लिहाज से भी यह परियोजना काफ़ी सुगम और सरल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांधी सेतु पुल के बारे में, इस पुल के शुरुआत होने जाने से उत्तर बिहार और राजधानी पटना से जुड़ने को लेकर आसानी होगी। इससे पहले ही एक लेन जो है चालू था, जिससे कि आने जाने में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इसके दोनों लेन चालू हो जाने के बाद से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस पूरे पुल को बनने में 1,742 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। यह पुल पटना से हाजीपुर के बीच में 5.58 किलोमीटर की दूरी है। बता दें कि यह पुल नेशनल हाईवे 19 पर स्थित है। बता दें कि इस पुल के बन जाने के बाद से कहा जा रहा है कि व्यापार की दृष्टि से भी यह पुल जो है काफ़ी लाभदायक होने वाला है। खास करके उत्तर बिहार और राजधानी पटना से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इसको एक लाइफ लाइन के रूप में इस पुल को देखा जा रहा है। इससे पहले भी इसका पश्चिमी लेन जो था वो परिचालन में था, लेकिन ओवनवे कम्युनिकेशन होने के कारण जो है कई तरह की दिक्कतें सामने आती थी। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि जैसे ही पूर्वी लेन की शुरुआत होगी, यानी कि नितिन गडकरी 7 जून को इस पुल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद से कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार और राजधानी पटना के बीच में आने जाने की दूरी जो है वो बहुत ही सरल होने वाली है। कहा जा रहा है कि गांधी सेतु के दूसरे लेन की शुरुआत हो जाने के बाद से लोगों को जाम से निजात मिलने की बात कही गई है। वर्तमान में इस पुल का 1 लेन चालू है, लेकिन बीच में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो या फिर ओवरटेक की स्थिति में एक ही लेन चल पाता है, तो इसमें दोनों लेन की स्थिति जो है वो जाम हो जाती है। अब जो है इस दोनों पुल को चालू हो जाने के बाद से कहा जा रहा है कि लोगों को जाम से तो निजात मिल ही जाएगी, साथ ही साथ व्यापार की दृष्टि से और राजधानी पटना की कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। खैर, बिहार सरकार सड़कों को लेकर बेहतर काम किया है। खैर, यह पुल जो है गांधी सेतु एक तो लाइफलाइन है ही, साथ ही साथ कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इस दिन होना है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।